हेलो माय फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन दिस ब्रांड न्यू वीडियो। काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में राइट विद रिस्पेक्ट टू द CUCET 2022 और होने भी चाहिए गाइस, बिकॉज CUCET को लेकर अपडेट्स ही कुछ ऐसे आ रहे हैं राइट। सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, लाइक सिलेबस क्या होने वाला है फॉर UG एंड PG। BBA अगर करना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, और अगर BBA करना होगा तो स्पेसिफिक डोमेन में क्या सब्जेक्ट्स हमें या फिर क्या क्वेश्चन हमें आने वाले हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं राइट। सो फर्स्ट अपडेट इज DUCET और CUCET। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करेगी, नोन एज DUCET और DUJAT जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स है, बट CUCET होने वाला है एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑलरेडी टोल्ड दैट कि CUCET का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट करने वाले हैं राइट। नाउ क्वेश्चन इज फॉर सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, UG और PG के लिए सिलेबस क्या है एंड ऑल्सो एग्जाम कब होने वाला है, अगर CUCET होने ही वाला है तो कब होने वाला है, सो एग्जाम टाइमलाइन। सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टेल दी एंड टू गेट कंप्लीट डिटेल, जो भी अपडेट्स है, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आपके डाउट्स है, सब कुछ सॉल्व होने वाला है गाइज। बट यस, प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करना होगा, जैन एंड फेब प्रिपरेशन के लिए दे दो गाइज, मार्च एंड अप्रैल आपका 12th होने वाला है, आपको पूरा जो फोकस है वो आपके सिर्फ 12th पर करना होगा। क्यों? क्योंकि इस बार सारी गाड़ी लाइन पर चल रही है गाइज। 12th आप देख लो, आपके 12th के एग्जाम हो चुके हैं और अब ये जो सेकंड टर्म है ये भी एग्जाम आपका टाइम पर होने वाला है। सो सब कुछ अब टाइम पर हो रहा है, बहुत सारे BBA के अलग अलग कॉलेजेस जो है, नरसिंहमौन जी है या कोई भी दूसरी कॉलेजेस है, नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू NMIMS, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। CUET क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अभी भी बाकी है ओके, बट 3rd of Jan उनका भी नोटिफिकेशन आउट होने वाला था, सो थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है। सिम्बायोसिस, IPMAT रोहतक, ZipMAT सारी एग्जाम्स टाइम पर कंडक्ट होने वाली है गाइस। सो दैट्स व्हाई CUCET भी टाइम पर होने वाला है। कब होने वाला है, मार्क द डेट, May end और द June 1st week। सो यह एग्जाम फाइनल होने वाला है गाइस। एंड नाउ देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट, वी हैव लॉन्च्ड BBA स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल नेम्ड एज मैनुअल BBA एंट्रेंस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गाइस, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, बिकॉज यहाँ बहुत सारे अपडेट मिलने वाले हैं और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियोज मिलने वाली है, पॉडकास्ट मिलने वाला है और मोटिवेशन मिलने वाला है हाउ टू क्रैक दैट पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम। सो बैचेस वी ऑलरेडी स्टार्टेड, सो यू कैन प्रिपेयर विद अस फॉर IPMAT, ZipMAT, CUET दैट इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंड पैट सेट योर सेंट्रल यूनिवर्सिटी CET एंड सेंट जेवियर्स और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है ओके फॉर 2022 एंड 2023। बैचेस ऑलरेडी स्टार्टेड गाइस, यू विल गेट ऑल दीज फीचर्स, लाइव क्लास, बुक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स, डाउट क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोज, टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, व्हाट्सअप ग्रुप मिलने वाला है जहां आप अपने सारे डाउट शेयर कर सकते हो। थ्रू आउट दिस पीरियड यू विल सॉल्व अराउंड 10,000 प्लस क्वेश्चंस, बहुत डेटा मिलने वाला गाइस। और डोंट वरी अबाउट द CUCET सिलेबस, उसके बारे में हमें बात करनी है ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मेंटरशिप, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड द कैंपसेस एंड द इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां आपको इंटरव्यूज भी देना होगा, सो यू विल गेट प्रिपरेशन फॉर दैट ऑल्सो, चाहे VAT हो, GD हो या फिर इंटरव्यूज हो। सो बुक योर सीट राइट नाउ, कॉल ऑन 8828-581454 और यू कैन विजिट अवर वेबसाइट manuvaroad.com/BBA entrance। सो गाइज, लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन था वो था ये, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल चुका है और इसके बारे में हमने वीडियो बना भी रखी थी जो 20th दिसंबर 2021 को आउट हुआ था। एज पर दिस CUCET तो होने ही वाला है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर अभी भी कंफ्यूजन था राइट। सो रिगार्डिंग दिस, द लेटेस्ट नोटिफिकेशन इज ऑन द टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर ओके गाइज, जो कि 9th of Jan को आउट हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन वुड बी डन थ्रू CUCET 2022। वाइस चांसलर योगेश सिंह हैज शेयर्ड दैट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर वुड डू अवे विद कट ऑफ लिस्ट बेस्ड सिस्टम एंड अडॉप्ट दिस एंट्रेंस टेस्ट। अब जो मेरिट बेस्ड जो एडमिशन होते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो अब नहीं होने वाले। सो गाइज, फोकस ऑन योर 12th ऑल्सो, क्योंकि और दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जाना है तो देन गाइज वहाँ कुछ तो अकेडमिक वेटेज मिलने ही वाला है एंड डोंट फॉरगेट कि वहाँ 60% कंपल्सरी है राइट। सो डिटेल जो है वो जल्दी आउट होने वाले एंड लाइकली टू बी कंडक्टेड बाय NTA। सो अब जो होने वाला है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करे या चेंजेस करे नहीं होने वाले, बस यहाँ मॉडिफिकेशन होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू NTA एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो दोनों साथ मिलकर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस नहीं होने वाला गाइस, सिलेबस में कुछ चेंजेस नहीं होगा, मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। अब क्या मॉडिफिकेशंस आने वाले हैं ये आपको अपडेट के साथ मिलेंगे, सो स्टे ट्यून विद अवर यूट्यूब चैनल। नाउ एज पर दिस, ये जो आपके 12th के स्कोर है वो यहाँ मैटर नहीं करने वाले, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो मेरिट बेस्ड सिस्टम बनाता था, अगेन ऑन अनदर अपडेट, यहाँ हम बात करेंगे अबाउट द सिलेबस। अब सिलेबस गाइस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में BSc प्रोग्राम्स थे जो साइंस ग्रेजुएट्स के लिए थे, BA ऑनर्स के काफी सारे प्रोग्राम्स हैं राइट, वहां BBA नहीं, BCom नहीं। अब वो कैंडिडेट, उनके लिए जो सेक्शन बी है उसमें से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं राइट, ये आपका क्वेश्चन है, स्टे ट्यून्ड विद मी। नाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज ऑप्टेड फॉर CUCET
as the mode of entrance exam 2022 and 23. This puts an end to speculation that the university may opt for its own entrance exam. क्योंकि Delhi University और दूसरे Central University जो अपनी खुद की entrance exam लेती थी, ये जो चल रहा था, ये अब बंद हो चुका है. अब क्या है? उनको CUCET का score accept करना ही होगा, right? A notification issued by the university on December 2021, जो कि मैंने आपको बता दिया पहले, उसके बारे में हमने already video बना रखी है. राइट सो उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने मीटिंग्स ली थी और मीटिंग में ये सब डिसाइड हुआ कि DUCET होगा या फिर CUCET होगा. राइट एज मेंशन ओवर हियर. नाउ वी आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, विल सून बी फॉर्मिंग अ कमिटी टू लुक इनटू द मैटर. और बहुत सारे मीटिंग्स इस पर ऑलरेडी हो रहे हैं. राइट नाउ कम ओवर हियर, 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नन फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, आर पार्ट ऑफ CUCET नाउ, ऑलरेडी है और CUCET ऑलरेडी होते आ रहा है. ओके एप्टीट्यूड टेस्ट है एंड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो यही दो डोमेन है. अब इसके लिए प्रिपरेशन आपको चाहिए, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल एप्टीट्यूड टेस्ट पर काम कर लो. सब्जेक्ट स्पेसिफिक BBA को लेकर क्या चेंजेस आ सकता है? मैथ स्पेसिफिक होने वाला है. साइंस के लिए जा रहे हो तो PCMB होने वाला है, तो वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर बायो. ओके इनमें से तीन कोई भी सब्जेक्ट, उनके रिलेटेड 25 क्वेश्चंस होने वाले. राइट 25 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द एप्टीट्यूड टेस्ट. एंड ये जो एग्जाम होती थी ये 64 डिफरेंट अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए होती थी. राइट अंडरग्रेजुएट एंड इंटीग्रेटेड कोर्सेज. नाउ देर आर मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन MCQ फॉर BSc एंड BA कोर्सेज. अब BSc और BA कोर्सेज के लिए ऑलरेडी सिलेबस क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे गाइस. बट सो फार नो एग्जाम्स फॉर कॉमर्स हैव बीन हेल्ड. राइट कॉमर्स के लिए कोई एग्जाम हेल्ड नहीं की गई इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, लेकिन जो BCom ऑनर्स एंड BCom प्रोग्राम आर दी मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं. राइट अब दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में अराउंड जितने भी एफिलेटेड सेंटर्स हैं, जितने भी एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें 70,000 प्लस सीट्स हैं. अब उसके लिए अराउंड जो कॉम्पिटिशन होता था गाइज, 3-4 lakh स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फिल करते थे. नाउ CUCET अगर होता है okay, और CUCET डिफरेंट लैंग्वेजेस में होने वाला, अराउंड 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो यहाँ स्टेट के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं. मोस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी में CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, स्टेट बोर्ड को लेकर काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं. लेकिन जब रीजनल लैंग्वेजेस में CUCET होने वाली है तो स्टेट के भी कैंडिडेट काफ़ी एंटर होने वाले हैं. सो दैट्स वाई जो कॉम्पिटिशन लेवल है वो अभी और बढ़ने वाला है. सो लुक ओवर हियर, द क्वेश्चन पेपर फॉर BSc हैज़ टू पार्ट्स. पार्ट ए दैट इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी विद 25 क्वेश्चन अलॉटेड, वाइल पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सच एज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी. ये BSc के लिए था. अब इसमें क्या होता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी आप PCM या PCB दोनों दे सकते हो या चारों देते हो, तो मैथ्स और बायो इसमें से जिसका हाईएस्ट मार्क है वो कंसिडर होता था विथ अनदर 25 मार्क्स. राइट सो इसके लिए भी कितने होते थे 25 मार्क्स. नाउ फॉर BA और डिप्लोमा इसेंशियल द ह्यूमैनिटी कोर्सेस, इट्स इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज, जो आपका 100 मार्क्स के लिए होता था. सो ये भी आपका हुआ एप्टीट्यूड टेस्ट. अब यहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन कुछ नहीं था. राइट आफ्टर द एंट्रेंस एग्जाम्स ईच यूनिवर्सिटी रिलीज इट्स ओन मेरिट लिस्ट एंड कंडक्ट्स द काउंसलिंग, दैट्स ऑल. सो ये एक और अपडेट है. नाउ कम ओवर यू ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट. यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सिलेबस दिखता होगा गाइज, सिलेबस ऑफ UG एंड सिलेबस ऑफ PG कुछ डिफरेंस नहीं है गाइज. रिमेंबर वन थिंग गाइज, अगर सिलेबस में कुछ भी होने वाला है तो चेंज नहीं होने वाला है. सिर्फ एक अकेले दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्कोर एक्सेप्ट करने की वजह से सारा सिलेबस जो वो चेंज नहीं होने वाला. ओके सिलेबस वही होने वाला है, कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं एज पर योर रिस्पेक्टिव डोमेन. आप BBA के लिए जा रहे हो तो किस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट पर भी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या होने वाला है. सेम वाइज आप कॉमर्स के लिए जा रहे हो तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या होने वाला है, BSc के लिए जा रहे हो, BA प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हो तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या हो सकता है. सो यहाँ कुछ चेंजेस आना बाकी है, उसके लिए आपको अपडेटेड रहना होगा गाइज. सो दैट्स वाई सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल, क्योंकि आपको अपडेट्स मिलते रहे. ओके गाइज नाउ सी ओवर हियर सिलेबस फॉर UIQ P01 एंड दैट इज फॉर ऑल वोकेशनल कोर्सेज और जो BSc कोर्सेज है. ओके नाउ दीज ऑल आर द रिस्पेक्टिव कोर्सेज और उनके रिस्पेक्टिव सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहाँ मेंशन की गई है. राइट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है या राजस्थान है, जो भी है या असम है, वो सब मेंशन किए हुए हैं. सो पार्ट ए क्या होता है, 25 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग डिसिप्लिन दैट इज इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, दैट इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट. सेकेंड जो होता था, कैंडिडेट मस्ट आंसर सेक्शन 1 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, फ्रॉम सेक्शन 3 एंड 4 मैथमेटिक्स या बायोलॉजी आने वाला है. राइट शुड बी अटेम्प्टेड एंड आंसर.
इन केस कैंडिडेट आंसर बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी सेक्शन बेस्ट ऑफ थ्री सेक्शन दैट इज सेक्शन 1, 2, 3 और 1, 2, 4 विल बी इवेल्युएटेड एंड कंसिडर्ड फॉर द रिजल्ट प्रिपरेशन. नाउ अनदर वन, यहाँ जो है पूरा सिलेबस मेंशन किया गया है. गाइस 11th एंड 12th में जो भी आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जो भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, मैथ्स में या बायो में पढ़ा है, उसके सिवा और कुछ नहीं आने वाला है. ऑल दो आपका बोर्ड का प्रिपरेशन करने वाले हो, राइट, 12th बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करने वाले हो, सो उसमें से ही आपको पूछने वाले हैं. दैट इज 25 क्वेश्चन फ्रॉम दैट ओनली. और बाकी आपको जो फोकस करना है दैट मोस्ट ऑन दी एप्टीट्यूड टेस्ट. सो ये सारा सिलेबस यहाँ मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो, राइट. अनदर वन दैट इज बी ए प्रोग्राम. जो भी पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंग्लिश है, ऑनर्स है, जितने भी कोर्सेस हैं उनके रिस्पेक्टिव सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, वो आप यहाँ देख सकते हो. और उनके लिए सिर्फ आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आने वाला, दैट इज फ्रॉम द इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज. और कुछ नहीं गाइस, दैट इज ऑल अबाउट द एप्टीट्यूड टेस्ट. और कुछ नहीं है गाइस, यहाँ सेक्शन भी नहीं होने वाला है. नाउ अगर आप पीजी प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हो, क्लिक ओवर हियर पीजी प्रोग्राम्स. ओके, एंट्रेंस टेस्ट फॉर द कोर्स पार्ट ए विल कंसिस्ट 25 क्वेश्चंस, दैट इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट. अगेन यहाँ एप्टीट्यूड है और आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, लाइक इफ यू आर फ्रॉम LLM तो LLB में आपने जो भी पढ़ा है उसके बेस पर क्वेश्चंस होंगे, राइट. पार्ट बी विल कंसिस्ट ऑफ 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस MCQ फ्रॉम द टीचिंग एप्टीट्यूड. कब? अगर आप BEd के लिए जा रहे हो, सो टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपने BEd में पढ़ा है. अगर हम अदर कोर्सेज देखें लाइक LLB, अगर LLM के लिए जाना है आपको, राइट, सो 25 क्वेश्चंस विल बी एप्टीट्यूड एंड 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले, वो आपके LLB के सिलेबस से आने वाले, लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ मैक्सिम, टॉट्स एंड एवरीथिंग, राइट. सो ये PDF आप गो थ्रू कर सकते हो और सारे सिलेबस को डिटेल में देख सकते हो. आइदर यू आर गोइंग फॉर PG और UG, आपको CU CET देना ही है गाइज. और ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, बट अपडेट जैसे आएगा विल मेक अनदर वीडियो ऑन द सेम. राइट नाउ जो भी अपडेट आ रहे हैं वो ऑन न्यूज़पेपर, सो न्यूज़पेपर भी आप डेली पढ़ते रहो. ओके, वहां से आपका जनरल नॉलेज भी इंक्रीज होने वाला है. एंड वन ऑफ प्रिपरेशन फॉर द CU CET और कोई BBA एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो गाइस, दैट कम टू manuedu.com. कॉल ऑन रिस्पेक्टिव नंबर्स. क्लासरूम कोचिंग भी ऑलरेडी स्टार्टेड एट द मुंबई, सो यू कैन कॉल ऑन रिस्पेक्टिव नंबर्स एंड यू कैन बुक योर सीट एट बोरीवली, वसई एंड दादर सेंटर. फॉर ऑल एग्जाम अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन यू कैन ऑल्सो फॉलो अवर सोशल मीडिया हैंडल्स सच एज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप. सो दैट्स ऑल गाइज. वन काउंसलिंग फॉर्म लिंक आई मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक दैट पर्टिकुलर लिंक, फिल द डिटेल्स एंड अवर टीम विल गेट बैक टू यू, सो यू विल गेट फ्री काउंसलिंग सेशन फ्रॉम अस. सो दैट्स ऑल गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर. सी यू इन द नेक्स्ट वीक.